लेट्स स्टार्ट विथ नूर आलम खान ने पहले कहा हुआ है, फिर सलाउद्दीन अय्यूबी साहब और शुक्रिया शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर मैं खाली वो परसों बिल्कुल चौधरी साहब को भी सर दे दें। सर मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, सर मैं लास्ट वीक एक उस पर मैंने बात भी की थी, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे। मैं आपका मशकूर हूँ, आपने सर प्रिविलेज कमेटी को तो भेज दी, लेकिन सर उसमें जो मेजर इशू था वो ये था कि सर क्योंकि जो कमेटीज आपकी काम करती हैं वो सर पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, yes. और उसको आईन तहफ्फुज देता है। कुछ जगहों पे सर उसको चैलेंज किया गया, मेरे ख्याल में उनको कॉन्स्टिट्यूशन का पता नहीं था या उनको किसी ने समझाया नहीं होगा कि कौन कौन से 66 और 69 के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के 66 आर्टिकल 66 और 69 क्या कहता है, और इसी तरह रूल्स एंड प्रोसीजर का 2007 का जो 201 है क्लॉज 4 और 5, उसमें बाकायदा कहा जाता है कि आप पब्लिक पटिशन्स भी ले सकते हैं और वो भी। तो सर आपसे ये रूलिंग हम चाहेंगे और मैं हाउस को भी कि सर जो भी कमेटीज नेशनल असेंबली की चाहे वो कोई भी हो सर, वो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता किसी कोर्ट में किसी जगह पे नहीं। उसकी वजह ये है सर कि उसको आईन की तहफ्फुज हासिल है, और अगर उसको चैलेंज किया जाता है तो इट मीन सर इट इज द वायलेशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती है। तो सर क्योंकि हम हर इदारे के हमारे चाहे वो स्पीकर हो, चाहे हमारे वजीर आजम हो, चाहे हमारे वजरा हो, चाहे हमारे एमएनएज हो, हमारे जितने भी सियासी कायदीन हैं सर, हम सब सरे खम हर अदालत में जाते हैं और हर इदारे की इज्जत करते हैं। अगर कोई जवान शहीद होता है तो सबसे ज्यादा दुख हम लोगों को होता है, अगर कोई अदालत की बेइज्जती करता है, जजेस की बेइज्जती करता है तो हमें बुरा लगता है क्योंकि वो हमारे ही इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे ही लोग हैं। लेकिन सर अगर कॉन्स्टिट्यूशन और इस नेशनल असेंबली कौमी असेंबली की कोई वकार और उसकी सॉवरेनिटी, उसके जो 1973 के आईन ने हमें जो हकूक दिए उस पे कोई डाका डालने की कोशिश करे तो सर उसको तो भी रोकना हमारा हक है। सर मैंने जैसे पहले कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ चेंज करना है वो सेनेट और नेशनल असेंबली चेंज कर सकती है, सबसे पहले नेशनल असेंबली। अगर यहां पे वो लॉ आप तशरीक और इदारे कर सकते हैं, चेंज कोई नहीं कर सकता, चेंज खाली नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ही करेगी सर। तो मेरी सर आपसे गुजारिश है, क्योंकि मैं हमारी कोई जाती किसी के जातियात नहीं होते, हम पब्लिक मैटर्स लेते हैं, हमें रूल्स एंड प्रोसीजर ने भी ये 2007 में हमें इजाज़त है, हमें आईन ने तहफ़ुज़ दिया है कि पाकिस्तान की आवाम के कोई ऐसे मसला हो, कोई मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी हो, कोई मिस यूज़ ऑफ ऑफिस हो, कोई हैरेसमेंट का हो, किसी बेटी बहन का, किसी बच्चे की चाइल्ड मिनिस्ट्रेशन उसके साथ ज्यादती हो, उसको हम ले सकते हैं। ये खाली नहीं है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आप या कोई दूसरी कमेटी खाली एक ऑडिट के पैरास को ही वो कर सकती है। सर वो 2007 का जो रूल्स एंड प्रोसीजर है उसका 201, सर आपके साथ ये रूल्स एंड प्रोसीजर में वो किताब अभी बाहर फिर नहीं निकालना चाहता, दोहराना नहीं चाहता, आपका कीमती टाइम है इस पे। सर मैं रूलिंग चाहता हूं, मैं हाउस को मैं ये चाहता हूं कि आप रूलिंग दें, हमारे लिए और इदारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन कमेटीज नेशनल असेंबली की कमेटीज सारे उनको तहफ्फुज पार्लियामेंट का, जैसे पार्लियामेंट में वो कुछ भी करे वैसे ही कमेटीज का भी वही है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता सर। तो उस पर सर दूसरी बात, यहाँ मैडम ने डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा हमारी काबिल एहतराम हैं,
बिल्कुल आज़ादी राय होनी चाहिए, लेकिन तजलील कुछ लोग ऐसे करते हैं सर, मुझे हैरानी हुई। डॉक्टर साहिबा, मैं आपको बताऊं कि मेरा तस्वीर डाला गया, उसके पीछे अमेरिका का झंडा लगाया गया, और वो दिन मुझसे कभी भी नहीं भूल सकता, और वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। सर, पाकिस्तान के साथ गद्दारी अपनी मां के साथ गद्दारी है। ये हमारा मुल्क है, चाहे हम कहीं पे भी चले जाएं सर, हम यहां पे वो होते हैं। और हमारे सर, हमारे पीछे अमेरिका का झंडा लगाकर उस चैनल में, किसी चैनल में, मैं चैनल का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि आई डोंट वांट टू बी मैं किसी का वो, लेकिन उन्होंने वो तस्वीर लगाई और उस प्रोग्राम में विर्क साहब, मैं इसलिए कि मैं फिर वो उनको ज्यादा और भी मिल जाएगी, वो उन्होंने बजाय ये कि माजरत करते, पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ दी बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज है, ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, IB, स्पेशल ब्रांच, ये सब सबसे बड़ी, खैर ये तो पुलिस और उसकी है, जो ISI और MI है सबसे बड़ी। मुझे बताएं सर, हमें कहा गया कि ये मेंबर्स जो हैं ये अमेरिका के एजेंट हैं, फिर हमारे फौजियों को भी कहा जाता है कि ये एजेंट है, क्या वो उन चैनल्स पे उसको म्यूट किया गया? क्या बार बार उन चैनल से वो बातें नहीं की गई? तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ती हैं। आजादी राय का हक है, बिल्कुल है, लेकिन मैंने अमेरिका में भी नहीं देखा कि वो अपने फौजी या अपने इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात करें। मैंने यूरोप लंदन में भी नहीं देखा, मैंने जर्मनी में भी नहीं देखा, मैंने जापान में भी नहीं देखा, और ममालिक तो छोड़ें, यहां पे दुश्मन ममालिक हैं सर जिनके साथ हमारे जंगे हुई होंगी सर, वो खुश होंगे, वो कहते हैं जी हमने वो, हम जो काम नहीं कर सके वो ये फलाने फलाने कर रहे हैं। और उन चैनल्स पे खुल्लम खुल्ला एक बंदे से, एक किसी की, किसी शख्सियत से आपकी नहीं लगती, आप बिल्कुल उस शख्सियत का, वो भी एक दायरा, एक पैरामीटर है, लेकिन उस शख्सियत ने एक जो कपड़े पहने होते हैं, जो वर्दी पहने होती है, वो मेरे मुल्क की होती है। वो मैं सो रहा होता हूं, मैं अपने बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता हूं, वो जवान वहां पे उस जैसे जवान, चाहे वो जब बूढ़े हो जाते हैं शायद वो जैसे आप स्पीकर हो गए, लेकिन जब आप कैप्टन होते हैं या लांस नायक होते हैं तो आप वहां पे बॉर्डर पे, तो वो वहां पे ड्यूटी दे रहा होता है हमें, और यहां पे वो उन चैनल्स पे खुल्लम खुल्ला कहा जाता है। मैं हुकूमत क्या जवाब दे, मैं खुद इस पे परेशान हूं। बात यह है सर कि उस वर्दी की इज्जत तो करनी चाहिए, इलेक्शन में किसके साथ वो, मैं कहूं कि क्या वो जो पिछली, जब आप लोगों को हाथ उंगली से पकड़कर पिरवा रहे थे तो वो ठीक था, लेकिन थोड़ा सा आराम तो उनको गालियां, फिर ना हमारे ISI के लोगों को छोड़ा गया, ना हमारे फौज को छोड़ा गया। सर, मैं उन पार्टियों से, मैं उन चैनल से, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी फरमाकर, आप हम पे तो आप जो भी करते हैं करें, कम से कम हमारे इंस्टीट्यूशंस की इज्जत रखें, ये कानून, ये आईन में है। सर, आप बंद करते हैं, मैं कहता हूं लाइसेंसेस ये ऐसे फिर कैंसिल होनी चाहिए, जो कि अगर मेरे मुल्क के मुहाफिजों के खिलाफ बात होगी तो फिर क्या रह जाएगा? आप इंडियंस को और उनको खुश करना चाहते हैं, जो कि डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं इस मुल्क को, आपके कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो सही काम कर रहा है? एक यही है ना, और तो सारा आप जाएं काम तो नहीं हो रहा, एक ऑर्गेनाइज्ड जहां से आपको हुए। तो सर, हम हर जगह पे इनको ब्लेम करते हैं,
जो कल शहीद हुए, छह वो वहां पे वजीरिस्तान में, वो कौन थे? क्या ये साहिबान गए थे? इन्होंने तो किसी ने ले, क्योंकि इनके तो बच्चे बाहर हैं, किसी का लंदन में बैठे हुए हैं बच्चे, किसी के अमेरिका में हैं, जो शहादत दे रहे हैं सर वो वर्दी वाले हैं, मैं और आप नहीं हैं। तो उसका जरा हमें सोचना चाहिए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं डॉक्टर साहिबा की हर चीज बिल्कुल सही, आजादी राय है, चैनल को भी बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन उन चैनल्स का, जितनी भी चैनल्स हैं, उनको ये इख्तियार हासिल नहीं होता कि वो हमारे आईनी इदारों और हमारे मुहाफिजों के खिलाफ उकसाएं और वो प्रोग्राम उसी वक्त बजाय बंद करने के वो वहां पे उसको चला रहे थे और रिपीट हो रहा था, और वो इंडियंस भी चला रहे हैं, आपके मुखालिफ ममालिक में वो चला रहे हैं कि वो उसको प्रोवोक कर रहे हैं। तो सर ये हमें सोचना चाहिए। कल शायद मैं इस असेंबली का हिस्सा नहीं हूंगा, तो क्या मैं अगर इलेक्शन हारता हूं, मैंने 2013 का इलेक्शन हारा, मैंने तो ये नहीं कहा कि आपको उन्होंने बक्से बर्बाद कर दिए, बस ठीक है जी हार गया ना। कल मैं 2023 या 22 में हार जाऊं तो इसका मतलब यह कि मैं उनको गालियां दूंगा? कॉन्स्टिट्यूशन की अगर किसी ने वायलेशन की हो तो फिर वो है। तो जनाब स्पीकर, दो चीजों पे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये करारदाद गवर्नमेंट को भी लानी चाहिए, हम सबको लानी चाहिए कि हमारे दो चीजों पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक, हमारे जो महाफिज शहीद होते हैं, जो हमारे लिए दिन रात, हम आराम से आज जो जितने चौधरी हैं, खान हैं, जो वडेरे हैं, जो जितने बड़े नवाब हैं, जो सारे, और चाहे वो मजदूर है, ड्राइवर है, जो आराम से बैठा हुआ है, वो उनकी बरकत की वजह से, उनकी शहादतों की वजह से है। तो ये हमें जरा सोचना चाहिए, हमें उनकी तजलील नहीं करनी चाहिए, और उन लोगों से बराए मैं उनको खुल्लम खुल्ला माफी मांगनी चाहिए। अगर उनको ये मुल्क अच्छा नहीं लगता, इनके महाफिजीन अच्छे नहीं लगते, दे कैन लीव दिस पाकिस्तान एंड गो वेयर दे वर, जाएं वहां पे, वापस वहां पे जाएं, वैसे ही उन्होंने वहां पे उनकी हल्फ लिए हैं। तो सर मैं और वो नहीं करूंगा। सर मुझे दूसरा, पहला वाला, इस मुकद्दस ऐवान की भी कदर होनी चाहिए, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, और कमेटियों का भी। बहुत शुक्रिया सर, और मैं माजरत चाहता हूं अगर डॉक्टर साहिबा या किसी और का मैंने दिल दुखाया। बहुत शुक्रिया।